Yeah. And then after that, we get up to the heavy duty machines. These are used in chair making and sofa making. These are the heavy duty machines. So ये mainly सारे electrical होते हैं. These are all direct drive machines, power saving machines with inbuilt motor. सारा electrical है ये. Electrical होता है. जी. कुछ भी manual नहीं है. Everything is automated. ये button stitch machine है. बेसिकली जो पहले मैनुअल में होते थे अब सारा ऑटोमेटिक सब ऑटोमेटिक उसको डायरेक्ट ड्राइव में ले आए हैं. ऑल पावर सेविंग्स एंड एवरीथिंग सब. हाँ जी सर, इस मशीन के बारे में सर. कंटिन्यूइंग टू द होजरी लाइन ओनली, ये मशीन दिस इज इलास्टिक अटैच मशीन. इसके नंबर ऑफ फंक्शन है, ये 12 नीडल मशीन है. ये आपने देखा होगा एडिडास में जो यहाँ पे तीन पट्टी चलता है साइड में, इसमें यूज होती है. देन you know 12 needles hai, you can use like you can make anything out of this. Hello and welcome back to my channel dosto, main hu aapka host and dost Shubham aur aap dekh rahe hain engineer on road. वेलकम बैक टू माई चैनल. और आज मैं फिर आपको लेकर आ गया हूँ गारमेंट्स टेक्नोलॉजी एक्सपो में. आज एक ऐसे कंपनी के पास लेकर आया हूँ जहाँ पर आपको गारमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होने वाली काफ़ी सारी मशीनरीज मिल जाएंगी. हेलो सर, कैसे हो आप? हाय, वेरी गुड सर, वेरी गुड, थैंक यू. सर एक अपना बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे. संजीव नरूला फ्रॉम नरूला सोइंग मशीन एंड वी आर लोकेटेड इन वेस्ट दिल्ली. हेड ऑफिस हमारा वेस्ट दिल्ली में है एंड वी आर दी इम्पोर्टर्स फॉर इंडस्ट्रियल सोइंग मशीन्स एंड स्पेयर पार्ट्स एंड वी सप्लाई ऑल ओवर इंडिया टू एंड यूजर्स. अच्छा, तो बेसिकली ये जो कंपनी है, कहाँ की कंपनी है सर ये? सर दिस ब्रांड जैक इज फ्रॉम चाइना, वी इंपोर्ट फ्रॉम चाइना. अच्छा जी. तो यहाँ पर सर काफ़ी सारी मशीनरीज आपने शोकेस किए हैं कुछ? बेसिकली वी आर डिस्प्लेइंग ऑल द मशीन्स फ्रॉम ए टू जी, जो भी आपका गारमेंट लाइन में यू नो वी कैन यूज इट. अच्छा जी. तो आप कुछ बता सकते हैं प्रोडक्ट के बारे में, क्या फंक्शनलिटी होती है? आप वी कैन बी स्टार्ट फ्रॉम हेयर एज दीज आर आवर सिंगल नीडल मशीन्स. ऑल दीज दिस सेगमेंट इज ऑल द सिंगल नीडल मशीन्स, जो कि बहुत ही एक दीज मशीन्स आर वेरी कॉमन इन यू नो मेकिंग अ गारमेंट. या एंड देन आफ्टर दैट वी गेट अप टू दी the heavy duty machines. These are used in chair making and sofa making. These are the heavy duty machines. तो ये mainly सारे electrical होते हैं? These are all direct drive machines, power saving machines with inbuilt motor. सारा electrical है ये. Electrical होता है. जी, कुछ भी manual नहीं है. Everything is automated. Everything is a technology. तो ये सारे सिंगल नीडल जी जी, दीज आर ऑल सिंगल नीडल मशीन्स. पहले वाला जो था आपका सारा अपैरल था, ये वाला सारा आपका हैवी ड्यूटी है. सोफा, चेयर्स, कार सीट कवर्स, लाइक वी प्रोवाइड सोल्यूशन टू आवर कस्टमर, लाइक एवरी सोल्यूशन. अच्छा, कार सीट कवर्स के लिए भी आप यूज कर सकते हैं? चेयर, चेयर मेकिंग, देन सोफा मेकिंग, एवरीथिंग. अच्छा, उसके बाद वी कम अप टू दी ओवरलॉक मशीन्स, जो आपका होजरी में बहुत डिमांड है इनका. When we make a track suit or like you know a t-shirt, okay. So the overlock single needle के बाद overlock machine is the very basic and common machine. तो सर क्या और भी मार्केट में काफ़ी सारे मशीन्स अवेलेबल हैं, क्या एक खास? दिस इज यू नो फ्रॉम चाइना. देर आर न्यूमरस ब्रांड्स, देर आर थाउजेंड ब्रांड्स, बट द बेस्ट वन सर्वाइव्स. वी हैव लाइक ऑल सोल्यूशंस, सारा सर्विस बैकअप से लेकर अ गुड टेक्नीशियन बैकअप एंड स्पेयर पार्ट बैकअप, वी प्रोवाइड एवरीथिंग. जी, दैट्स वाई द जैक ब्रांड इन मार्केट इज नंबर वन. अच्छा जी. तो ये आप अगर कोई जैक ब्रांड्स की अगर मशीनरीज लेना चाहते हैं तो आपसे ही उनको लेना पड़ेगा? सर लुक, इफ दे वांट अ गुड सर्विस एंड एवरीथिंग, स्पेयर पार्ट बैकअप या वारंटी, सो दे आर मोस्ट वेलकम. जी आइए सर, इसके बारे में बताइए. सर दिस मशीन इज बेसिकली यूज फॉर शर्ट्स एंड जीन्स, जो हमारे मेटल बटन्स होते हैं. दिस मशीन इज गुड फॉर दैट. क्या कर सकते हैं? इट्स दिस इज कॉल्ड स्नैप बटन मशीन. ये सैंपल आपने लगाया एंड यू कैन जस्ट, इसमें डाई लगता है. अच्छा, दीज आर द डाइज, बटन्स के सैंपल्स हैं और ये आपके बटन्स के सैंपल हो गए. अच्छा, सो ये जीन्स पे और शर्ट्स पे जो हमारे मेटल बटन्स होते हैं, ये उसको लगाने के काम आता है. देन हम होजरी लाइन कंटिन्यू करते हैं टी शर्ट एंड लोअर्स पे. फिर हमारा सिंगल नीडल ओवरलॉक एंड नाउ दिस इज फ्लैट लॉक मशीन. ये हमारा टी शर्ट के बॉटम पे यूज होता है. दिस इज डायरेक्ट ड्राइव एंड दिस कम्स विद, इसमें थ्री नीडल यूज होता है विद फाइव थ्रेड. अच्छा, थ्री नीडल्स विद फाइव थ्रेड. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा बॉटम पे यूज होता है, टी शर्ट बॉटम. एक इसी का अपग्रेडेड मॉडल है ये. दिस कम्स विद द डस्ट सक्शन डिवाइस.
जो भी डस्ट होता है वो ऑटोमेटिकली इसमें कवर होता रहता है, थोड़ा सा यू नो एनहांस्ड फिनिशिंग, मोर ऑफ फिनिशिंग। अच्छा, जैसे यहाँ पर आपने डस्ट कलेक्टर इसमें लगा रखा, क्या फ़र्क क्या पड़ता है सर? सर फिनिशिंग में फ़र्क पड़ता है, लाइक मोर ऑफ द बिगर ब्रांड्स दे वांट अ गुड फिनिशिंग। अगर आप मैनुअल में जाओगे और अगर आप यू नो इफ़ यू आर टेकिंग द डस्ट कलेक्टर विद दिस इज बेसिकली कॉल्ड अ बॉटम हेमिंग मशीन विद कंप्रेसर। सो डस्ट कलेक्टर होता है हमारा पीछे एंड दिस इज द कंप्रेसर। फिनिशिंग इज मोर गुड इन दिस मशीन, इफ़ यू वॉन्ट अ गुड फिनिशिंग यू गो फॉर दिस मशीन। भाई फिनिशिंग करना हो तो आप यहाँ पर जाओ, ब्रांडेड बनाना। वी हैव बेसिकली वी आर डिस्प्लेइंग हेयर ऑल द मशीन्स जो कि एक यू नो स्टार्टअप से लेकर एक बिग फैक्ट्री कस्टमर तक यहाँ पे सारी मशीनरीज डिस्प्लेड है। अच्छा, मतलब जिस भी रेंज के कस्टमर हो भाई आपके पास अवेलेबल होंगे। वी नेवर से नो टू आवर कस्टमर। अच्छा सर, कंटिन्यूइंग टू द होजरी लाइन ओनली, ये मशीन दिस इज इलास्टिक अटैच मशीन, इसके नंबर ऑफ फंक्शन है, ये 12 नीडल मशीन है। ये आपने देखा होगा एडिडास में जो यहाँ पे तीन पट्टी चलता है साइड में, इसमें यूज़ होती है। देन यू नो 12 नीडल्स हैं, यू कैन यूज़ लाइक यू कैन मेक एनीथिंग आउट ऑफ दिस। सर इसमें जो इतने सारे नीडल हैं और धागे हैं, इसमें कोई ऐसा फंक्शंस है कि अगर कोई टूट गया तो फिर इसका? ऑफ कोर्स सर, जो भी लाइक ये एक टेक्निकल चीज़ हो गई, सर्विस पार्ट हो गया, तो हमारे पास सारा कुछ अवेलेबल है। वी हैव आवर इंजीनियर रनिंग ऑल ओवर दिल्ली। कुछ भी दिक्कत आती है बेसिकली पहली चीज़ इसके लिए आपको एक ऑपरेटर प्रोफेशनल चाहिए कि धागा टूटा या नीडल टूटी है, तो एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। सो बाकी कोई अगर मेजर कोई चीज़ है तो वी आर देयर फॉर दैट। तो ये है कि सर्विसेज आपके अवेलेबल होंगे? ऑफकोर्स आवर सर्विसेज अवेलेबल। हमारा ऑफिस टाइम जो है मॉर्निंग 10 AM से शाम को 7 बजे तक है, तो ड्यूरिंग दोज आवर्स वी आर प्रोवाइडिंग सर्विस टू आवर कस्टमर्स ऑल ओवर दिल्ली NCR। जी। और सर जैसे अगर कोई आपसे ये प्रोडक्ट ले रहा है तो उसकी ट्रेनिंग का क्या रहता है सर? सर प्रोडक्ट ट्रेनिंग हमारा, जब यू नो आवर टेक्नीशियन विजिट देयर प्लेस, हमारा बंदा वहाँ पे जाके विजिट करेगा, आफ्टर दैट मशीन इंस्टॉल हो गई, दे इंस्टॉल द मशीन एंड दे गिव अ प्रॉपर डेमो टू द कस्टमर। जी, ये है कि भाई टिल द कस्टमर इज नॉट सैटिस्फाइड। ओके सर, दिस इज कॉल्ड अ बटन होल मशीन। हमारे जो ये शर्ट के होल्स होते हैं ये उसके लिए होती है। This is a button hole machine. After comes the button stitch machine. That is the button stitch machine. Button hole के साथ we need a button stitch जो button लगाता है। ये button stitch machine है। गौरव जी एक बारी चलाना इसको। ये button stitch machine है। Basically जो पहले manual में होते थे आप सारा automatic। सब automatic उसको direct drive में ले आए हैं। All power savings and everything सब। हाँ जी सर, इस मशीन के बारे में। ओके, दिस इज कॉल्ड टू बी द बार्टेक मशीन। सी, ये मशीन हमारा डेनिम पे यूज होता है टू अटैच द लूप्स। अच्छा, बैग्स अगर आपने देखा हो जो हमारे बैग्स होते हैं, बैग्स पे यूज होती है ये मशीन के नंबर ऑफ फंक्शन है। अच्छा, आप इससे कैप होती है, कैप होल पे आप इसको यूज कर सकते हो, जो हमारा कैप होता है ना एट द टॉप ऑफ द कैप होल होती है, आप इसको उस पर भी यूज़ कर सकते हो। सो वी हैव डिफरेंट साइजेज, आपने देखा होगा जो डी शेप ए, एवरीथिंग कैन बी डन। ये है कि ये सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड है, सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड है एंड अकॉर्डिंग टू द कस्टमर वट एवर ही वॉन्ट्स हम उनको दे देते हैं। अगर आपने देखा होगा वैन हुसैन एक कंपनी है, उसका वी है, वो इससे बनाते हैं, एरो का ये इससे बनाते हैं। जी, और इसके अलावा और भी क्या आप? इसके अलावा सर वी आर डिस्प्लेइंग हेयर आवर स्पेयर पार्ट्स। आप ये देखिए, दीज आर द स्पेयर पार्ट्स फ्रॉम सीजर्स टू द LED लाइट्स टू ऑल द मशीनरी मैकेनिकल आइटम्स। ये LED लाइट है जिनके पास पुराना टाइप का मशीन है। अच्छा, कस्टमर्स इंजॉय बाइंग दिस लाइट। अच्छा जी, एंड आफ्टर दैट लाइक अगर हम इलेक्ट्रॉनिक में आते हैं, जो मशीनरी हम दे रहे हैं उसमें सारा नाउ इट इज़ ऑल इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड। सो वी हैव ऑल द इलेक्ट्रॉनिक स्मॉल डिवाइसेस कि भाई आपका मशीन बंद हुआ एंड वी आर देयर विद द सॉल्यूशन। सो दिस इज ऑल इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट, दिस इज ऑल मैकेनिकल सपोर्ट एंड देन सम स्मॉल एसेसरीज। हमारी जो पुरानी मशीनरी चलती थी उसमें हम बड़ी मोटर यूज़ करते थे जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंजम्पशन बहुत ज़्यादा रहता था। दिस इज़ द पावर सेविंग मोटर, इससे लाइक यू इट कंज्यूम्स लाइक मोर देन यू नो 30% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। सो जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक बिल्स वगैरह हो गए, पीपल आर लविंग यूजिंग दिस मोटर नाउ। फिर फैब्रिक कटर मशीन हो गई जो आपका क्लॉथ होता है उसको काटने के काम आती है। देन वी हैव द स्टीम आयरन, लाइक यू नो प्रोवाइडिंग एवरीथिंग, दीज आर द स्पेयर पार्ट्स।
तो ये है कि सर जो पहले अभी यूज़ कर रहे थे ये जो मशीनरीज और उसमें मोटर यूज़ कर रहे थे वो रिप्लेस कर सकते हैं, यूज़ करते थे अच्छा। जो पहले मशीन्स यूज़ होती थी बट नाउ हमारा जो आज सपोजिटली यू नो इफ पीपल आर नॉट एबल टू बाय न्यू मशीन्स दे रिप्लेस देयर मोटर। हाँ जी, तो वो रिप्लेस कर सकते हैं। हाँ, मोटर रिप्लेस करते हैं। अच्छा, तो ये तो रही सर मशीनरीज की बात, काफ़ी सारे मशीनरीज मिल जाएंगे, स्पेयर पार्ट्स भी मिल जाएंगे जी, जी। उसके बाद अगर कोई आपसे परचेज कर रहा है तो उसका सर्विस का आफ्टर सर्विस सर, का प्रोवाइडिंग 1 ईयर ऑफ सर्विस देन 3 ईयर ऑफ वारंटी विद ऑल द मशीन्स, चाहे वो आप एक ले रहे हो या चाहे वो आप यू नो 1000 बाय कर रहे हो, यू आर बाइंग नंबर ऑफ मशीन्स वॉट एवर वेदर योर क्वान्टिटी इज 1-2000 या वॉट एवर, वी आर प्रोवाइडिंग आवर सर्विस टू एवरी कस्टमर। ये है, और ट्रेनिंग तो आप जब लोगे? डेमो इज अवेलेबल ऑफ कोर्स, अगर हम मशीन दे रहे हैं वी हैव टू गिव अ गुड डेमो, वी हैव टू ट्रेन आवर कस्टमर, दैट्स व्हाई यू नो पीपल बाय फ्रॉम अस। सर अगर कोई इस मशीन्स में इंटरेस्टेड है या अपना स्टार्टअप करना चाहता है, नया सेगमेंट ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो आपसे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? सर अगर मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना है तो आई हैव माई मोबाइल नंबर, और अदरवाइज वी हैव आवर वेबसाइट, ऑनलाइन वेबसाइट, उसका www.narulaswingmachineimporters.in। और बिजनेस कार्ड शो कर सकते हैं? जी ऑफ कोर्स, आई विल जस्ट चेक। ओके, दिस इज माय बिजनेस कार्ड, दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर, वी हैव द बार कोड, अगर आप ये बार कोड स्कैन करोगे यू कैन डायरेक्टली गो अप टू माय व्हाट्सएप, उस व्हाट्सएप में पूरा एक माय प्रोडक्ट्स का पूरा एक यू नो मिनी कैटलॉग है। अच्छा जी, तो ये रहा भाई वेबसाइट, कंपनी का वेबसाइट दिए गए हैं, ईमेल्स दिए गए हैं, कॉन्टैक्ट्स दिए गए हैं, अगर इस तरह की मशीनरीज की आपको ज़रूरत है तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड सर एट लास्ट में आप अपने कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में और इस इंडस्ट्रीज़ के बारे में दर्शक को क्या बोलना चाहेंगे? सर लुक, दिस इंडस्ट्री इज़ अ वेरी बिग इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री है, अपैरल इंडस्ट्री है, इट्स अ वेरी बिग इंडस्ट्री, एंड अगर आप यू नो यू आर इफ़ यू आर हेयर इन द GTE यू आर इन्जॉइंग इट, यू आर यू नो you are getting out now after 3 years to see such type of exhibition, so aap isme zarur aao, like I would invite my all customers ki aap next year isme zarur aaiye, because today is the second last day, kal kuch khas hota nahi hai, but if you have time come up here, you'll see all the technology. Chaliye sir, thank you sir, baat karne ke liye.